दोस्तों आदि पुरुष अब तक के सबसे महंगे फिल्मों में से एक है जो कि रामायण पर बनाया गया है और अभी इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया है जिस पर एक ही दिन में 74 मिलियन व्यू आया है जिसे एक दिन में 740 लाख लोगों ने देखा है। जी हाँ दोस्तों 740 लाख लोगों ने, इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग इसे कितना ज्यादा पसंद कर रहे हैं और शायद आप भी इसे पसंद कर रहे होंगे। मगर क्या आप जानते हैं इस फिल्म में मेन लीड एक्टर यानी हीरो कौन है? क्या आप जानते हैं इस फिल्म में विलेन का जो रोल निभा रहे हैं वो एक्टर कौन है? क्या आप जानते हैं इस फिल्म में एक्ट्रेस यानी हीरोइन कौन है और ये फिल्म बनाने में कितना पैसा लगा है और इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है और ये फिल्म सिनेमा घरों में कब रिलीज होगी? अगर आप इन सारे सवालों का जवाब नहीं जानते हैं और आप इन सारे सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आदि पुरुष फिल्म के बारे में पूरी जानकारियां और जो कि अभी शायद पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो चलिए जानते हैं। दोस्तों आदि पुरुष जिसका मतलब होता है प्रथम मनुष्य या पहला आदमी, जो कि रामायण से इंस्पायर्ड होने वाली एक भारतीय बॉलीवुड फिल्म है और ओम राउत इस फिल्म के डायरेक्टर है जिसको टी सीरीज फिल्म और रेट्रो फाइल्स के द्वारा बनाया गया है जो कि हिंदी और तेलुगु भाषाओं में एक साथ बनाई गई है और इस फिल्म में प्रवास को राघव के रूप में, कृति सनोन को जानकी के रूप में और सैफ अली खान को लंकेश के रूप में दिखाया गया है और इस फिल्म को 500 करोड़ के बजट पर बनाया गया है और आदि पुरुष अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक है और इस फिल्म की शूटिंग फरवरी 2021 में शुरू हुई थी और नवंबर 2021 में समाप्त हुई और इस फिल्म को 12 जनवरी 2023 को तमिल, मलयालम और कन्नड़ में डब किए गए वर्जन के साथ हिंदी और तेलुगु भाषाओं में रिलीज के लिए तैयार है। अब जानते हैं इस फिल्म को किस बेसिस यानी आधार पर बनाया गया है। दोस्तों 7 लाख साल पहले अयोध्या के राजा राघव अपनी पत्नी जानकी को बचाने के उद्देश्य से हनुमान जी के आर्मी के साथ लंका द्वीप की यात्रा करते हैं जिसे लंका के राजा लंकेश ने अपहरण कर लिया था। अब जानते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन यानी उत्पादन के बारे में। दोस्तों आदि पुरुष हिंदी रामायण का एक दूसरा रूप है जिसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर बनाया गया है और इसको 18 अगस्त 2020 को प्रचार पोस्टर के माध्यम से घोषित किया गया था। प्रभास ने ओम राउत के डायरेक्टिंग में भगवान राम का किरदार निभाया है जिन्होंने पहले पीरियड एक्शन फिल्म तानाजी जो कि 2020 में रिलीज हुई थी उसको डायरेक्ट किया था और उसके डायरेक्टर थे और ओम राउत 1996 की जापानी फिल्म रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम से प्रभावित थे और उन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करके रामायण को कस्टमाइज करने के लिए इंस्पायर किया गया था। राउत ने भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के बीच आदि पुरुष फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी और उन्होंने प्रभास को स्क्रिप्ट दिखाया और प्रभास को तुरंत प्रोजेक्ट पसंद आ गया और प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म प्रोजेक्ट के लिए बोर्ड पर थी और 500 करोड़ बजट के साथ आदि पुरुष अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक है और सिर्फ विजुअल इफेक्ट पर ही 250 करोड़ रुपया खर्च होने की अनुमान है। इसे हिंदी और तेलुगु भाषाओं में एक साथ शूट किया गया है और इस फिल्म को 3D में बनाया गया है। और अब बात करते हैं कास्टिंग और एक्टिंग के बारे में। सितंबर 2020 में निर्माताओं ने यानी फिल्म को बनाने वालों ने खुलासा किया कि प्रभास भगवान राम का एक्टिंग कर रहे हैं जिनके कैरेक्टर का नाम बाद में राघव के रूप में सामने आया था और सैफ अली खान जो पहले ही राउत की तानाजी में एक विलेन यानी शत्रु दुश्मन के रूप में काम कर चुके हैं जिसकी वजह से इनको लंकेश नाम के साथ रावण की भूमिका के लिए साइन किया गया है और अनुष्का शेट्टी, अनुष्का शर्मा, केरा अडवाणी और कीर्ति सुरेश को देवी सीता की भूमिका के लिए संपर्क किए जाने की अफवाहों के बाद नवंबर 2020 में यह बताया गया कि कीर्ति सनोन को सीता की भूमिका निभाने के लिए कास्ट किया गया है यानी चुना गया है। चार महीने बाद मार्च 2021 में निर्माताओं ने फिल्म में उनके शामिल होने की कंफर्मेशन की और सनी सिंह जो फरवरी 2021 में सेट पर शामिल हुए वे भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण भूमिका निभा रहे हैं। और आइए अब बात करते हैं फिल्मिंग की यानी कैमरे से कहानी और फिल्म बनने की घटना की। दोस्तों आदि पुरुष के लिए मोशन कैप्चर शूट 19 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था, मुहूर्ता शूट और फॉर्मल लॉन्च टूर फरवरी 2021 को मुंबई भारत में किया गया। और अगर आप नहीं जानते हैं कि मुहूर्त शूट क्या होता है तो मैं आपको आसान शब्दों में बता दूं कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में मुहूर्त शूट एक
फिल्म का पहला शूट होता है जो कि मेन फोटोग्राफी की शुरुआत को मार्क करता है। इसमें पहले पूजा होती है। मुहूर्त ऋग्वेद का एक शब्द है और इसका अर्थ होता है क्षण, मोमेंट यानी पल। कंटेम्पोररी रूप से इसका अर्थ होता है शुभ क्षण। जैसा कि निर्माताओं ने बताया, उस दिन फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी शुरू हुई। उसी दिन मुंबई में जहाँ पर फिल्म बन रही थी वहीं पर एक फायर एक्सीडेंट हुई। आग लगने की वजह से एक ही तरह से डुप्लीकेट सेट बनाए गए थे। अक्टूबर 2021 में सैफ अली खान और कृति सनोन ने शूटिंग पूरी की और नवंबर 2021 में प्रभास ने भी अपनी शूटिंग पूरी की और 10 नवंबर 2021 को फिल्म की पूरी शूटिंग पूरी कर ली गई। और आइए अब जानते हैं ये फिल्म आदि पुरुष रिलीज कब होगी। दोस्तों, आदि पुरुष 12 जनवरी 2023 को रिलीज होने वाली है। यह पहले 11 अगस्त 2022 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में लाल सिंह चड्ढा की रिलीज होने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। और ये फिल्म तमिल, मलयालम, कन्नड़ और दूसरे कई भारतीय और इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में डब्ड वर्जन के साथ तेलुगु और हिंदी में रिलीज होने वाली है। और अब आते हैं कास्टिंग पर, यानी इस फिल्म में किसको किसको मेन रोल में कास्ट किया गया है। दोस्तों, राघव के रूप में सुपरस्टार प्रभास है, जानकी के रूप में कृति सनोन है, लंकेश के रूप में सैफ अली खान है, लक्ष्मण के रूप में सनी सिंह है और हनुमान के रूप में देवदत्त नागे है। अब देखते हैं लास्ट टॉपिक को, आदि पुरुष टीजर रिव्यू के बारे में। दोस्तों, बाहुबली के बाद फिर वैसी ही एक बड़ी हिट फिल्म की तलाश में जुटे साउथ सुपरस्टार प्रभास की मच अवेटेड अपकमिंग फिल्म आदि पुरुष का टीजर आज जारी हो चुका है। इस फिल्म के टीजर को भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या से जारी किया गया है, जिसके लिए फिल्म की पूरी टीम उत्तर प्रदेश की अयोध्या नगरी में पहुंची थी, जहां से मेकर्स ने बाकायदा पूजा अर्चना के बाद अपनी फिल्म का टीजर पूरी दुनिया को दिखाया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस फिल्म के टीजर को लेकर काफी चर्चा चल रही है। चलिए अब आइए जानते हैं कि आखिर कैसा है प्रभास और कृति सनोन स्टार फिल्म। प्रभास की आदि पुरुष के टीजर से निराश फैंस यूजर्स बोले, क्या कार्टून टाइप है, क्या तीसरी फ्लॉप फिल्म देने के बाद बच पाएंगे प्रभास। बाहुबली सीरीज के बाद बेशक सुपर स्टार प्रभास देश के सबसे बड़े पैन इंडिया स्टार बन चुके हैं। उनके स्टारडम को इस फिल्म ने इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया है कि अब प्रभास की हर फिल्म पर दर्शकों की पैनी नजर होती है। हालांकि इसके बाद फिल्म स्टार ने साहू, राधेश्याम जैसे फिल्मों से फैंस को निराश किया। अब सुपरस्टार की इस फिल्म आदि पुरुष से हर किसी को भारी उम्मीद है। जारी हुआ फिल्म का टीजर इशारा दे रहा है कि अब की बार सुपरस्टार प्रभास का निशाना सटीक लगने वाला है और दमदार वापसी के लिए तैयार है प्रभास। दोस्तों, ये थी आदि पुरुष फिल्म से जुड़ी पूरी इन्फॉर्मेशन। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में जरूर बताएं और कमेंट्स में ये भी जरूर बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मालूम चल सके। अगर आप ऐसे ही नॉलेजबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकॉन को दबा दे, ताकि हमारे आने वाली हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तब तक इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।